नमस्कार भैया, ये ट्वेंटी में इंग्लैंड पहले खेल रहा है, सॉरी इंग्लैंड पहले खेल रहा है, अपनी टीम इंग्लैंड है, इसको देख लो, बराबर का भाव है, देख लो 40 पैसा के आसपास टारगेट करो, इंग्लैंड में मिलेगा तो मैनेज हटा देना। जब मैं बोलता हूँ 50 पैसा का डिफरेंस मैनेज हटा देना, तब जीत नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो, ये ऑडियो फर्स्ट 2020 का है, इंग्लैंड वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का। इस वीडियो का हेडिंग मैंने दिया हुआ है घड़ा उल्टा घोड़ा उल्टा, लेकिन घड़ा घड़ा उल्टा है तो क्या मिलेगा। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सब लोग अकाल से पीड़ित थे और अचानक से बारिश हो रही थी तो सब लोग सोचे कि पानी भर लेते हैं, लेकिन एक महामूर्ख आदमी वो बैठा हुआ था, बोला मैं अभी वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो घड़े को उल्टा करके रखा हुआ था। तो आप जब घड़े को उल्टा करके रखोगे तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा। सेम उसी तरह है, एक बंदे की बुक आई है, बुक अच्छी है, बुक सीखने वाली बुक है, रिवर्स बेटिंग की बुक है, लेकिन घड़ा उल्टा है। कैसे बात करूँगा इसके बारे में, पहले रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। भी कई लोग जो सवाल करते हैं, सर एस्ट्रो क्रिकेट से हम जुड़ने से क्या हमारा लॉस कवर हो जाएगा, काफ़ी पुराना सवाल है और काफ़ी बार आता है, और रह रहकर मैं अपने हिसाब से इसका आंसर देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ, जो लोगों ने कवर किया उसका आंसर देता हूँ। लेकिन आप श्योरिटी चाहते हो, श्योरिटी तो ना मैं अभी तक बोला हूँ ना अगले जन्म में बोलूँगा। आपका भाग्य है, आपका स्टाइल है। अब आप घड़ा उल्टा रखोगे तो आपको कोई भी कुंडली, कोई भी भगवान, कोई भी ज्योतिष से कुछ भी नहीं करा सकता। टीम का दिन होता है, दिन होता है तो उसको प्रेफर दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जब टीम दौड़ जाती है तो वहाँ बुक सेट किया जाता है। अब ये बुक सेट करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं रह रहकर इसके शेयर करता हूँ, आपको संग बताता हूँ। एक बिल्कुल सिंपल बेटिंग है, सिंपल बेटिंग जिन लोगों की बुक आई है उसमें सिंपल बेटिंग भी है। सिंपल बेटिंग मतलब जब भाग्य अच्छा है या कुंडली भारी है तो उस टीम को चाहे 1 रुपये का पड़ता किया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, जिस टीम को आपको खेलना है, जिस टीम का दिन होता है, जिस टीम का कुंडली होती है, उस टीम को टारगेट रहता है कि मेरा 1 रुपये का पड़ता आ जाए। 1 रुपये का पड़ता मतलब 10,000 लगे और 10,000 आ जाए। तो आप चूंकि भाव खुला हुआ भाव दोनों 95 ही है और शुरू में ही पहले ओवर में 16 रन मार दिया तो तुरंत ही इंग्लैंड फेवरेट आ गया, इंग्लैंड और नीचे आ गया, शायद 75-80 पैसा आ गया था। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको समझ में आता है कि मुझे ये टीम खेलनी है तो मुझे, अगर मैं 40,000 का सौदा करता हूँ, मेरी लिमिट 40,000 की है, तो मुझे कम से कम 20,000 तो 80-85-90 के बीच में जो भी एक एंट्री तो मार ही देनी चाहिए। अब मैं वेट करूँगा, अगर फेवरेट खाने का मिलेगा तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मेरी 40,000 की पूंजी 1 रुपये के पड़ते में यूज हो जाए, यानी 40,000 लगे और 40,000 आए। तो कुछ बंदों ने शुरू में सौदा मार दिया था, लेकिन कुछ बंदों ने जो नहीं मार पाया उसमें से एक ये बंदा है, इस बंदे ने इंग्लैंड को खा लिया था। इंग्लैंड जब मारने लगा तो इंग्लैंड जब 60 पैसा आई तो इस बंदे ने इंग्लैंड को खा लिया, यानी एक तरह से रिवर्स बेटिंग के टारगेट में था। तो रिवर्स बेटिंग ख़राब नहीं है, लेकिन रिवर्स बेटिंग में रिस्क भी रहता है। तो जो लोग प्रॉफिट में हैं मैं उनको बोलता हूँ रिवर्स बेटिंग करने, जो आप बिल्कुल फ्रेश हो और आप माइनस में ही हो, चाहे आप एस्ट्रो क्रिकेट से पेड में जुड़े हो या अनपेड में जुड़े हो, तो आपको रिवर्स बेटिंग, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी माइनस में हो, ऊपर से एक ऐसा रिस्की काम कर रहे हो कि जिस टीम का भाग्य है आप उसको उल्टा कर रहे हो, इसलिए वहाँ पर पूंजी आपके पास है हारे हुए, फिर भी अगर आपको बुकी को 2-4 मैच में देने की कैपेसिटी है तब तो फिर रिवर्स बेटिंग में दिमाग लगाओ, नहीं तो सिंपल बेटिंग करो। सिंपल बेटिंग जैसा मैंने बताया, 80-85 भी भाव खुला है, आपको समझ में आ रहा है इस टीम का दिन है, इस टीम का भाग्य है, तो आपको आपको उसको खेलना है, तो आपको एक एंट्री मार देनी चाहिए। अब वेट करना चाहिए फेवरेट खाने का भाव आता है या नहीं आता है, आता है तो वापस एक एंट्री खानी चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आज कम कमाई का दिन था, 80-85 में जो लोग इंग्लैंड मारे होंगे तो जैसे थोड़ी देर में इंग्लैंड 40 पैसा बोल दिया, 50 पैसा बोल दिया, तो आपको फिर रिस्क हटा लेना है। मैं ट्रेडिंग बोलता हूँ 50 पैसे, जैसे मैंने कहा कि कई भाई बोलते हैं कि भी आप 50 पैसे ही क्यों बोलते हो, आपकी टीम तो ज़्यादा बार जीत जाती है। बोले मैं बैटिंग को भी लेकर चलता हूँ, सिर्फ टीम जीतने से पैसा नहीं आए तो क्या होगा, क्या होगा। एक बार मुझे याद है बहुत स्टार्टिंग में जब मैं एस्ट्रो सीख ही रहा था, जब मैं प्रैक्टिस भी करता था और अब पॉकेट खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए होते थे, तो एक बंदे का भाई था वो बैटिंग करता था, बोले तुम्हारे ज्योतिष दोस्त को बोलो कि मुझे बताए मैं 250 रुपये पर मैच कर दूंगा। तो 18-20 साल पहले 250 रुपये पर मैच मेरे लिए तो पॉकेट खर्चा के लिए अच्छी इनकम थी, तो मैं उसको
वहाँ हालांकि उस समय रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी पीछे पड़ा होता कि नहीं बताओ नहीं बताओ मुझे, तो तुम बताओ जो भी थोड़ा बहुत भी हिंट भी दे दो। तो पंटर को एक तरह से हिंट चाहिए, उस जो ट्रेडर होता है खासकर, आम पंटर को तो विन ही चाहिए, लेकिन जो थोड़ा सा भी ट्रेडिंग जानता है वो जानता भी हिंट है मतलब, मैं फिर तो मैं मारा मारी कर लूँगा, फिर तो मैं बुक बना लूँगा। तो एक बार मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ही मैच था, और शायद न्यूजीलैंड में ही था, हाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच था और न्यूजीलैंड में ही था या ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन यार एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैच 4 बजे शुरू हो गया था और मैंने उसको रात को ही बता दिया था कि सेकंड बैटिंग का पलड़ा भारी लग रहा है। इस समय इनिशियल स्टेज थी, कई कई सारे फार्मूले जो बाद में सीखा, लेकिन उस जो शुरू के फार्मूले के हिसाब से सेकंड बैटिंग का पलड़ा भारी था, सेकंड बैटिंग ऑस्ट्रेलिया थी और वो मैच ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीत गई। न्यूजीलैंड शायद 100 125 पे ऑल आउट होगी, वनडे था, कोलेप्स हो गई और ऑस्ट्रेलिया एक तरफा जीत गई। 3:30 बजे शायद मैच शुरू हुआ था, न्यूजीलैंड में मैच था, तब मैं खुश हुआ भी चलो अभी कल 250 रुपये मिलेंगे। लेकिन जब मैं उसके पास भाई के पास उसको लेने पहुंचा कि भैया को बोलो पैसे दे दे, तो बोला तो वो बंदा बोलता भाई, वो उसका दोस्त का भाई बोलता है कि भाई मैं तो जब तक उठा मैच ख़त्म ही हो गया था, तो कमाया नहीं तो पैसे कहाँ से दूँ। मतलब 3:30 का मैच था, वो शायद 4 4:30 बजे 1 घंटे बाद उठा होगा, तो जब तक उठा न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट बैंड बज गई थी, नहीं भाव ही नहीं था। तो उस समय मैं बोला यार जब मेरी टीम, जब कुंडली की टीम मैंने बता दिया और टीम जीत गई, तो मुझे तो पैसा मिलना चाहिए, मैं अपनी जगह सही था। लेकिन इस फंडे को बाद में समझा कि नहीं, भाव अगर नहीं मिलता है तो आपको कमाई नहीं होती है। तो आपको भाव समझना है, भाव से लड़ना सीखना है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद तो बुक ही काम आती है भाइयों। तो इस बंदे ने पहली एंट्री ठीक की, इसको कॉन्फिडेंस था, रिवर्स बैटिंग की इसने, उसके बाद जैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी मारा तो ऑस्ट्रेलिया आ गई 80 पैसा, तो इस बंदे ने ऑलमोस्ट डबल माल खा लिया, 70,000 रुपया खा लिया इसने 80 पैसे में, 80 पैसे में 70,000 खा लिया, यानी इसकी बुक हो गई 16,000 रुपया ऑस्ट्रेलिया में माइनस हो गया और इंग्लैंड में 46,000 रुपया प्लस हो गया, 16 तक 48, लगभग 30 30 पैसे की बुक, यानी लगभग 3 रुपये की बुक इसकी पड़ी हुई है। तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं अगर पंटर होता या जब मैं पंटिंग करता था, 1.5 साल मैंने पंटिंग की है, तब मैं यहाँ पर दोनों दोनों तरफ 20 20 हज़ार रुपये इसका आराम से प्लस हो रहा है, 20 हज़ार 22 हज़ार 25 हज़ार के करीब करीब दोनों तरफ प्लस करके बैठ जाता। लेकिन इस बंदे ने फिर अपने हिसाब से किया, इसने, मैं हिसाब ये नहीं बोलता हिसाब से गलत है, लेकिन घड़ा उल्टा है, इसने 1 लाख रुपये प्लस कर लिया, इसने इंग्लैंड को खा लिया 50 पैसे में, जब ऑस्ट्रेलिया के 2 3 विकेट लगातार गिरे तो ऑस्ट्रेलिया 50 पैसे के आसपास, इसने 1 लाख खा लिया, 50,000 रुपया इसने इंग्लैंड में माइनस कर दिया। तो ये भी मैं एंट्री ख़राब नहीं मानता, चलो ट्रेडिंग दि ट्रेडिंग जैसा मैं बताया कि सिंपल बेटिंग ट्रेडिंग मैचेज, एक होती है सिंपल में सिंपल बेटिंग, एक होती है ट्रेडिंग बेटिंग और एक होती है रिवर्स बेटिंग। तो एक तरह से इस बंदे ने सिंपल तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग और रिवर्स बेटिंग दोनों को ही यूज कर लिया है। ट्रेडिंग मतलब आप उस टीम पर चढ़ रहे हो फिर उतर रहे हो, फिर चढ़ रहे हो फिर उतर रहे हो, फिर चढ़ रहे हो फिर उतर रहे हो, ये कम से कम 2 बार से कितना बार भी हो सकता है, मिनिमम 2 बार तो होना ही चाहिए। आप किसी टीम को खा रहे हो फिर रिस्क हटा रहे हो, फिर खा रहे हो फिर रिस्क हटा रहे हो, तो इट्स ट्रेडिंग हो गया ये। मैंने आपको टीम वही पसंद है लेकिन आप उसको कटिंग करते जा रहे हो। कई लोग एक पेटी शुरू की एंट्री लगाते हैं, एक पेटी में खाते हैं, उसके बाद कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी एंट्री वो आधे की करते हैं, मतलब आधा पेटी खाया कि एक बार मेरा काम हो गया है, अब मैं आधा के रिस्क करूंगा, देखा जाएगा। कुछ लोग बराबर का अमाउंट का रिस्क लेते हैं। तो इस बंदे ने अब यहाँ पर इसके बुक बहुत अच्छी हो गई, ऑस्ट्रेलिया में 84,000 प्लस हो गया और इंग्लैंड में सिर्फ 4,000 माइनस हो गया, सिर्फ 4,000, यानी एक तरह से बहुत अच्छी बुक है ये, कभी भी इसको रिवर्स दोनों तरफ कर सकता था। लेकिन इस बंदे को पसंद, जब मैं कई बार बोलता हूँ कि पसंद मत बनाओ, बुक के अनुसार चलो, तो इसके बुक यहाँ अलाउ करते थे दोनों तरफ आराम से 40 50 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये दोनों तरफ आराम से प्लस होकर उठ सकता था, लेकिन इसको पसंद थी, इसने जचा लिया था, क्यों जचाया मुझे पता नहीं। मैं बोलता हूँ रिकॉर्ड्स के अनुसार, रिकॉर्ड के हिसाब से जो लोग ज्योतिष सीखते हैं उनको ये, मैं डेट अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच देखोगे, एक बार न्यूजीलैंड ने 164 रन बनाया था डरबन में और इंग्लैंड 5 रन से मैच हार गया था, एक बार वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में मैच हुआ था, वेस्ट इंडीज ने 176 रन बनाया था और इंग्लैंड 155 रन पे कोलैप्स हो गया था, यानी 21 रन से हार गया था। एक बार इंडिया ने 200 रन बनाया था और इंग्लैंड ने 127 रन बनाया, 27 रन नहीं बना पाया। यानी अगर देखा जाओगे तो इंग्लैंड का दिन खराब है, लेकिन ज्योतिष के स्टूडेंट को सिर्फ एक पक्ष नहीं होता है, ज्योतिष में चार्ट भी होता है, महादशा भी होती है। तो जो लोग महादशा देखते हैं वो लोग देखेंगे कि कुंडली में शनि में बृहस्पति है, शनि में बृहस्पति चल रहा है जब मैच का टाइम हो रहा है। अब इसमें खास बात क्या है कि शनि के बृहस्पति में इंग्लैंड का दिन तो खराब है, लेकिन तीनों तीनों में फर्स्ट बैटिंग का पलड़ा भारी है, तो
तो यहाँ पर आपको कंट्राडिक्टरी मिल रहा है, इंग्लैंड का दिन भी खराब है और फर्स्ट बैटिंग भी भारी है। तो जब दो चीज़ में दो जब दोनों चीज़ को यानी दशा की कुंडली और टाइम की कुंडली, जिस तरह मैच शुरू होता है उसकी कुंडली और दशा की कुंडली, जब दोनों कुंडली में वो हो तब आपको प्रेफर करना चाहिए दशा की कुंडली, यानी फर्स्ट बैटिंग का पलड़ा भारी है। लेकिन चूंकि इंग्लैंड का दिन भी खराब था तो वो अच्छा खेलते हुए भी मारामारी करी। अब ये देखिए, कुंडली और फिक्सर दोनों का मिक्स नहीं कर सकते, दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिक्सर कर्म करवा रहा है और कुंडली भाग्य चलवा रही है। तो यहाँ पर चूंकि कर्म का स्क्रिप्ट क्या थी, कर्म की कि दोनों फिक्सर की स्क्रिप्ट क्या थी कि दोनों को कर्म करना है, यानी दोनों को एनपीपी गेम नहीं करना है, दोनों को ही परफॉर्म करके खेलना है। तो बॉलर को जहाँ कहा जा रहा है कि आपको लूज बॉल डालना है यानी रन हमको बनवाना है, वहीं बैट्समैन को कहा जा रहा है कि आपको खुल कर खेलना है। आप दोनों को मिक्स मत कर दो, दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है, भाग्य और कर्म दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। ज्योतिष के स्टूडेंट हों चाहे आप क्रिकेट के पंटर हों, आपको ये चीज़ दोनों चीज़ समझनी चाहिए कि भाग्य जिसका है अल्टीमेटली विन उसकी होगी, लेकिन कई बार फिक्सिंग टीम के फेवर में हो जाती है, कई बार फिक्सर की टीम भी वही रहती है जो भाग्य की जिसकी कुंडली रहती है। इस चीज़ को जो लोग समझ गए वो लोग समझ लो क्रिकेट लाइन में आगे बढ़ जाएंगे, लोग इसको मिस कर देते हैं। सर जब फिक्सर का ही चलेगा तो फिर कुंडली क्या करेगी, सही फिक्सर ही सब कुछ करवा देगा तो कुंडली का क्या मतलब हुआ। सर जब कुंडली चलेगी तो फिर फिक्सर आप क्यों बोलते हो, कई लोग फिक्सर की थ्योरी ही नहीं मानते हैं, तो उनको तो मैं बुक्स पढ़ने बोलता हूँ। कई एक अतुल कुमार जी की एक बुक्स आई है, वो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, शायद कब कब कवर हो जाएगा, कम जब कम्प्लीट हो जाएगा तब कवर करूँगा। तो कहने का मतलब, वीडियो एंड करूँगा, कहने का मतलब आपको घड़े को उल्टा रखना है, घड़ा बंद नहीं करना है, फिक्सर के हाथ में है कौन अल्टीमेटली जीतेगा, लेकिन आपको टीम पसंद नहीं करना है। खासकर आपने ट्रेडिंग भी कर लिया, रिवर्स बेटिंग भी कर लिया, इतने अच्छे बुक आपने एंट्री कर ली है, अब आप जीत के भरोसे क्यों? ठीक है, एक चौका और एक चौका छक्का लगते ही तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, लेकिन ऐसा रिस्क क्यों? छक्के के भरोसे बैटिंग क्यों? छक्के के भरोसे अपनी ज़िंदगी क्यों दांव पर लगाएं? चौके के भरोसे अपना भाग्य क्यों खराब करें? हमको जब कर्म करना है, हमको जब हाथ मेरा है, बुक की मेरा है, मेरा आईडी मेरी है, तो मुझे खाने में दोनों तरफ कम से कम मेरी एक कीमत है, मेरा एक टाइम का वैल्यू है। जब मैं 3 घंटे मैच में दे रहा हूँ तो मेरा एक है कि मैं कुछ ना कुछ लेके उठूंगा। लेकिन कुछ लोग अगर सर लेंगे नहीं, लेंगे तो लंबा उठेंगे, तो थ्योरी आपकी हो सकती है। मैं किसी भी थ्योरी को डिनाई नहीं करता, किसी भी थ्योरी को गलत नहीं बोलता, लेकिन सबका अपना अपना अंदाज है, सबका अपना स्टाइल है। इसलिए मुझे कोई भाई बोलता है कि सर मैं ज्योतिष में कवर कर लूंगा, क्या मैं लॉस कवर कर लूंगा, क्या मैं एस्ट्रो क्रिकेट से जुड़ के कवर कर लूंगा, चाहे मैं पेड बनूँ चाहे मैं अनपेड बनूँ, तो मैं किसी को भी यही एडवाइस देता हूँ कि वो साधु महाराज की स्टोरी मैंने बताई हुई है, आप की चाल मुझे पता नहीं है, आप कितनी स्पीड से चलते हो मुझे पता नहीं है, आप रिस्क लेंगे कितना रखते हो मुझे पता नहीं है, आप बैटिंग में कितने पुराने हो मुझे पता नहीं है, आप सारे दांव बैटिंग के जानते हो कि आप मुझे पता नहीं है, आप फिक्सर के माइंडसेट को पढ़ना जानते हो क्या मुझे पता नहीं है, आप भाग्यवादी भी हो क्या कि अल्टीमेटली होगा तो वही जो भाग्य में लिखा होगा, तो मुझे पता नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, आप सब चीज़ को एनालिसिस करके उसके बाद मेरी जो फिलोसफी है कि आपको अल्टीमेटली कर्म करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ सही होगा तब काम करूंगा, मेरा है कि सब कुछ सही होते रहेगा, आप काम शुरू करो उस काम से सब कुछ सही होने लगेगा, मेरी ये थ्योरी है। लेकिन कुछ सबकी थ्योरी अलग अलग है। इसी के साथ एंड करता हूँ, डिटेल मैंने क्या बोलता हूँ मैं टेलीग्राम में वीडियो ऑडियो डालता हूँ, बाकी वर्ल्ड कप की तैयारी है, वीडियो कम आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद जैसे मोशन में आएगा तब कंटिन्यू बुक्स आएगी, कंटिन्यू सीखने के लिए काम करेंगे, और बैटिंग लाइन में जिस दिन बैटिंग लीगल होगा हमारा 500 का क्लब रेडी होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय, सब्सक्राइब कर देना नए लोग, कंटिन्यू बुक्स देखा करो, एंट्री देखा करो, बुक्स मैं आप ही लोगों से लेकर बनाता हूँ, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी एंट्री लेता हूँ, और आप मैं भी सीखता हूँ और आप भी सीखते हो। थैंक यू, नोटिफिकेशन देख लेना ऑन है कि नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।